बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के गोगांव तहसील मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से राहगीरों को आवारा कुत्तों के काटने की शिकायतें मिल रही थी, पर शुक्रवार करीब 8 से 10 एवं शनिवार सुबह दोपहर तक लगभग 15 व्यक्तियों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया। हम आपको बता दें कि गांव में पहले भी आवारा कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसमें अदलपुरा निवासी एक मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था। बहरहाल वर्तमान में भी कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए, यह सोचकर ही भय महसूस होता है और होने वाले घटनाक्रम के लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे ये भी सोचने का विषय है। स्थानीय नगरवासियों ने स्थानीय एवं जिले के उच्च अधिकारियों से स्थायी तौर पर निराकरण करने की मांग की है। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज सुबह की घटना है, लगभग 20 से 22 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसमें मेरे खुद के घर की भी एक बच्ची है, मेरे भांजी है जो मेरे घर आई हुई थी, उसको भी कुत्ते ने काटा है। और इस मामले में पहले भी मैं ग्राम पंचायत को आवेदन कर चुका हूँ। ग्राम पंचायत के मंत्री जो हैं उन्होंने मुझे कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इस मामले में मैंने अभी भी उनसे कॉल कर करके निवेदन किया था, बाकी उन्होंने अभी भी यही आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है यह घटना हुई है, लगभग गोगांव में सुबह से यही न्यूज़ आ रही है कि अभी यहाँ पर कुत्ते ने काटा है, अभी वहाँ पर काटा है। बहुत सारे कुत्ते जो हैं बाहर से लाकर यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं और इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई के लिए निवेदन भी किया था हमने, बाकी अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? लुकमान निज़ामी, गोगांव। हो चुके हैं जिसमें से सभी को वैक्सीन लगा दिया गया है, कुछ मरीजों को खरगोन अग्रिम उपचार के लिए भी रेफर किया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, अभी तो पर्याप्त तो उपलब्ध है, आगे अगर कमी होती है तो जिले पर उसकी डिमांड की जा रही है। सर, इस बारे में आपने अभी तक कोई लिखित में किसी पंचायत वगैरह कोई आदेश दिया? पंचायत विभाग को सूचना दी जा रही है, आज दी जा रही है पंचायत, आज दी जा रही है। मतलब स्थिति कैसी है, उन्होंने ज़्यादा मात्रा में काटा है या कुछ लोगों को ज़्यादा मात्रा में काटा है, कुछ सामान्य है। और आज सुबह काफ़ी लोगों को जो मॉर्निंग वॉक पे गए थे दयालपुरा रोड पर, ज़्यादातर ये हुई है घटना कुत्ते काटने की। सर आपका सुनिए, डॉक्टर दीपक वर्मा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, गोगांव। सर, कल दो दिन में ग्राम पंचायत गोगांव में आवारा कुत्तों ने करीबन 20 से 25 व्यक्तियों को काट लिया है और घायल कर दिया है। कुछ व्यक्तियों का इलाज तो यहाँ पर गोगांव में हो चुका है और किसी को रेफर खरगोन किया गया है। आगामी इसमें आप ग्राम पंचायत क्या भूमिका अदा करेगी? अभी जैसे मैं कार्यालय आया, कार्यालय आते ही मुझे सूचना मिली है कि गांव में आवारा कुत्तों ने 10 से 15 20 लोगों को काट लिया है और हॉस्पिटल भर्ती किया, जिन्हें खरगोन रेफर किया, ऐसी कोई खबर लगी है। उसी पे हमने सरपंच साहब और अपने पंचगणों से चर्चा की है। जस्ट हम चाहते हैं कि जिला नगर पालिका जो है वहाँ पर टीम गठित है, उन टीम का सहयोग लिया जाए। सरपंच साहब से चर्चा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि हम उन्हें अभी पत्र लिखें और टीम को हम बुलाएं और जितने आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको पकड़ें और किसी अन्यत्र उन्हें स्थानांतरित किया जाए, ताकि हमारे जो जनमानस है उनको कुत्ता आवारा कुत्तों से बचाया जा सके। मतलब कितने दिन में यह व्यवस्था हो जाएगी? निश्चित रूप से हम इसी सप्ताह में पूर्ण इसको पूर्ण कर लेंगे। पंचायत ने वैकल्पिक व्यवस्था क्या करी है? पंचायत की ओर से हमारे जो ग्राम पंचायत के जो शिपर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी एक टीम गठित कर दी गई है और उनके द्वारा गांव में विजिट भी किया गया और आवारा कुत्तों को भगाने का काम किया है। और कोशिश से कंटिन्यू हमारे, जब तक हम कुत्ते पकड़ नहीं लेते तब तक हमारी जो पंचायत की जो टीम है वो उनको लोगों को बचाने के लिए हम हमारी शिपर टीम लगा रखी है। ओम प्रकाश यादव, सचिव ग्राम पंचायत।